नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT इंस्टीट्यूट के बारे में। कौन सा कॉलेज किस लिए है चर्चा में और कब हुई स्थापना IIT के, कितने हैं भारत में कुल कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो भारत में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 15 सितंबर 1956 में, 15 सितंबर 1956 में। अगर इसमें पूछ लेते कुल कितने कॉलेज हैं भारत में, तो अब तक कुल 23 कॉलेज हैं भारत में। IIT कॉलेज जो हैं इंडिया में टोटल 23 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाया है। जो स्टैंडिंग व्हील चेयर है विकलांगों के लिए जो बनाया जाता है, अब तक बैठने के लिए बनता था, लेकिन जो भी हाल ही में बना है एक, ये IIT मद्रास ने स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया है या बनाया है। और बात आई मद्रास इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1959 में। और मद्रास पड़ता कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। IIT मद्रास ने स्टैंडिंग व्हील चेयर का निर्माण किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस सहयोग से किस IIT ने एक आंतरिक प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये IIT दिल्ली ने इसकी घोषणा की है, और ये दिल्ली की, जो IIT दिल्ली की स्थापना की बात करें तो 1961 में हुई थी। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो स्थापना कब हुई थी, तो थी 1969 में। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी इसरो की, और इसका मुख्यालय है बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानसिक स्वरूप से निपटने के लिए किस IIT ने एक ट्रेडविल विकसित किया है। तो ये IIT कानपुर ने विकसित किया है। IIT कानपुर ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए निपटने के लिए ये ट्रेडविल जो है विकसित किया है। और कानपुर की जो स्थापना हुई थी IIT कानपुर की, ये 1959 में हुई थी, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जो वृद्धावस्था के लोग होते हैं उनके मानसिक स्तर मापने के लिए, सही रखने के लिए ये IIT कानपुर ने ट्रेडविल का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने अपना पहला एडामेंट फंड लॉन्च किया। तो यह दिल्ली IIT ने किया है, IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। और कब किया है लॉन्च, तो ये 31 अगस्त 2019 को किया है, 31 अगस्त 2019 को। और यह अपनी स्वर्ण जयंती पर IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन वेस्ट सिस्टम का विकास किया है। तो ये IIT हैदराबाद ने किया है। IIT हैदराबाद ने दूध में जो अम्ल पाए जाते हैं उसकी, मतलब उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए दूध की अम्ल की, इसको स्मार्टफोन के द्वारा वेस्ट सिस्टम का विकास किया है IIT हैदराबाद ने। अब IIT हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी सन 2008 में। और इसका जो एक IIT हैदराबाद है कहाँ, तो तेलंगाना में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला भारतीय वेस्ट एटलस का विकसित किया है। तो क्या है, IIT हैदराबाद ने, इसको भी IIT हैदराबाद ने किया, और इसके बारे में हमने अभी जस्ट पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के छात्रों ने कैरी फॉर यू नामक एक एप्लीकेशन का विकास किया है। तो ये विकास किया है IIT खड़गपुर ने इसका विकास किया है। तो बात आई IIT खड़गपुर के, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी IIT खड़गपुर की। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नकली मुद्रा का पता लगाने के लिए किस IIT के छात्रों ने एक इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का निर्माण किया है या बनाया है। तो ये बनाया है IIT खड़गपुर ने, इसको भी IIT खड़गपुर ने, जो नोट है नकली मुद्रा उसका पता लगाने के लिए IIT के छात्रों ने इमेज प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन बनाया। इसमें होगा क्या कि जो नकली नोटें होंगी
उसको इस ऐप के थ्रू स्कैन करने पर पता चलेगा कि ये मुद्रा नकली है या जो सही मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मतलब कि एआई का निर्माण या तकनीकी में एक पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है जो एआई की तकनीक में पूर्ण स्नातक के कार्यक्रम की घोषणा की है आईआईटी हैदराबाद ने, आईआईटी हैदराबाद ने की है। और इसके बारे में उन्हें बताया कि इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका जो हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने बिना लैब टेस्ट के बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो पोर्टेबल डिवाइस जो है बिना लैब टेस्ट के जो चेक होगी वो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अब बात गुवाहाटी क्या है, तो गुवाहाटी के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला कि यहाँ का जो मंजुला द्वीप है यह विश्व का पहला नदी द्वीप है, और दूसरा जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है खड़गपुर, खड़गपुर पहला भारत का ऐसा स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से चलता है, यहाँ लाइट नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से पूरा रेलवे स्टेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट सोलर असेंबली का आयोजन किया है या किया गया है? तो किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे ने इसको किया है, और आईआईटी बॉम्बे ने किया इसकी और कब किया है, तो 2 अक्टूबर 2019 को किया है। और यह गांधी जी की जो गांधी जी का जन्मदिन था उनके उपलक्ष्य में यह गांधीवाद को बढ़ावा देने के लिए ये आईआईटी ग्लोबल इंस्टीट्यूट सोलर असेंबली का आयोजन किया गया। और बात करें आईआईटी बॉम्बे की स्थापना की, तो हुई थी 1958 में, 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी। और ये आईआईटी बॉम्बे पढ़ता कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ए आई आई ए ने किस आईआईटी के साथ मूव पर हस्ताक्षर किया है, MOV पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने किया है। और आईआईटी दिल्ली के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने यूनिवर्सिटी को IOE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इनोमिस की का दर्जा दिया गया है? आईआईटी किस यूनिवर्सिटी को IOE इंस्टीट्यूट ऑफ इनोमिस का दर्जा दिया गया है? तो इसमें 5 यूनिवर्सिटी हैं जिसको आईओई का दर्जा दिया गया है। इसमें पहला है IIT मद्रास, BHU, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIT हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ये पांचों कॉलेजों या पांचों यूनिवर्सिटी को IOU का दर्जा दिया गया है। और दिया किसने है, तो ये MHRD ने दिया है, इस दर्जा को MHRD ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए नेशनल इंडस्ट्रीज रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो फ्रेमवर्क है उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर रहा है, मतलब जो हाल ही में जारी हुआ है इंस्टीट्यूट फ्रेम रैंकिंग, रैंकिंग फ्रेम में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है IIT मद्रास, दूसरे पर रहा है बैंगलोर, और तीसरे पर रहा है दिल्ली। पहले पर IIT मद्रास, दूसरे पे बैंगलोर, तीसरे पे दिल्ली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया है, IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। और इस प्रोसेसर का नाम क्या है, तो इस प्रोसेसर का नाम है शक्ति, इस प्रोसेसर का नाम शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM दोनों हैं, तो भारत का एक ऐसा जो शहर है वह है इंदौर, इंदौर में IIT और IIM दोनों यूनिवर्सिटी हैं। और इंदौर पड़ता कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में MP में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर रहा है? तो ये रहा है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे बैंगलोर रहा है।
इसमें फ्रेम रैंकिंग की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा फिर से क्वेश्चन। इसमें जो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में, ये पहले में मद्रास, दूसरे बेंगलोर, तीसरे दिल्ली रहा है, जबकि क्यूएस इंस्टीट्यूट रैंकिंग में जो पहले पहले नंबर पर आया बॉम्बे रहा, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे बेंगलोर रहा है। और लास्ट ईयर की बात करें तो बेंगलोर 2018 में जो था वो था पहले नंबर पे, किसमें? इंस्टीट्यूट रैंकिंग में, लेकिन इस बार दूसरे नंबर पर चला गया है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कविता गोपाल काफ़ी नाम चर्चा में रहा है। हाल ही में कविता गोपाल को पहला राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल ही में, वह किस आईआईटी कॉलेज से बिलोंग करती थी, किस कॉलेज से बिलोंग करती थी? तो आईआईटी मद्रास से बिलोंग करती थी। तो दोस्तों आज की ये कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और भारत में इस समय कुल कितने आईआईटी कॉलेज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।